आगे बढ़ेंगे। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर फर्जी वोट बनाने के आरोप लगा रही है। इसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि शिमला नगर निगम के चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर सैकड़ों फर्जी वोट बना रही है। मंत्रियों की कोठियों से 20-20 वोट बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोगों के वोट नहीं बनाए जा रहे हैं, रोस्टर में भी गड़बड़ी की गई है। कश्यप का कहना है कि 2017 के चुनावों में भी 34 वार्ड ही चुनाव हुआ था, इसलिए उसी रोस्टर को अब लागू करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रोस्टर ही बना दिया।